भाई इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आपकी सिर्फ ऑडियो की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो और वीडियो को इफेक्ट नहीं होगा कुछ भी। भाई एंड्रॉयड के लिए ऐसी कोई भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन नहीं है जो कि सिर्फ ऑडियो की स्पीड को बढ़ा सके, वीडियो की नहीं सिर्फ ऑडियो की स्पीड को। पर हम आज ये करके दिखाएंगे कि एक ट्रिक है जिससे कि आप ये सब कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जैसा मैंने यहाँ पर एक वीडियो लिया है, इसको म्यूट कर दिया है। अब मैं इस पर बाहर से एक ऑडियो ऐड करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑडियो और वीडियो अलग अलग सेपरेट है, तो मैं यहाँ पर क्या वीडियो की स्पीड तो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, पर ऑडियो की स्पीड में मुझे कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है कि सिर्फ ऑडियो की स्पीड में बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे एक दो बार ये प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो इसके दो सॉल्यूशंस है, ठीक है, मैं आपको दोनों शेयर कर रहा हूँ आज, तो आपके काम आएगा। कहीं ना कहीं आप भी कभी अटक जाए तो ध्यान रखिएगा। तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। पहला तरीका तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू हम करेंगे। और दूसरा तरीका हम काइनमास्टर में ही करेंगे, काइनमास्टर के थ्रू ही। तो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला तरीका, आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। ओके, तो अब इस एप्लीकेशन को ओपन कर लो और इस तरह का आपको इसका कुछ इंटरफेस दिखेगा, काफ़ी सिंपल सा, काफ़ी सही सा इंटरफेस है। तो यहाँ पर ऊपर ओपन करके एक आइकॉन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपका वो ऑडियो ढूंढ लो जो भी, जिसकी भी आपको स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ढूंढ लेना आपकी किस फाइल में सेव है और उस पर क्लिक करके उसको इंपोर्ट कर लेना। इस टाइप का आपको दिखेगा कुछ, यहाँ से प्ले करके देख लिया, सही है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स वाला जो ऑप्शन है सेकंड नंबर वाला, यहाँ पर जाना है और चेंज टेम्पो पर क्लिक करना है। स्पीड पर मत करना, टेम्पो पर करना। तो आप इसकी थोड़ी सी बढ़ा कर प्ले करके देख सकते हैं। तो इतनी मुझे सही लग रही है, तो मैंने अप्लाई पर क्लिक कर दिया है। ओके, तो अब हम इसको कर लेंगे सेव। अब इसको सिंपल सा जो है वापस से काइनमास्टर ऐप ओपन करना है और उसमें इसको इंपोर्ट कर लेना है। जो पहला वाला था ऑडियो, उसको हम डिलीट कर देंगे। तो इससे सिंपल से हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। अब इसको रिप्लेस करेंगे हम जो न्यू वाला हमारा वर्जन था उससे। तो वो फाइल ढूंढ लो आपने कहाँ पर सेव करी थी और इसको जस्ट इंपोर्ट कर लो। तो ये लीजिए, हो गया। अब दूसरी जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई हम वीडियो की भी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और ऑडियो की भी साथ में, पर आपके पास वीडियो और ऑडियो अलग अलग है, तो आप क्या करोगे? तो सिंपल सी एक थोड़ा सा दिमाग लगाकर एक हैक है, उसको आपको यूज़ करना है। जैसे कि ये है हमारा वीडियो नॉर्मल वाला और हम इसमें ऐड करेंगे जो नॉर्मल वाला पहले जो म्यूज़िक था उसे। अभी ये जो है नॉर्मल है, पर हमें स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है दोनों की साथ में बढ़ाने का। तो आप क्या करते हैं, सिंपल से जैसा है एज इट इज़ इसको एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, और फिर से इसको इम्पोर्ट करो और ओवरऑल की स्पीड बढ़ा दो। तो ये छोटी सी हैक थी, ये भी आपके आई होप काम आई होगी। देखो अभी आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि ये रहा हमारा वीडियो जो हमने एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, अभी देख लो ये ऑडियो और ये मिक्स हो चुके हैं, अलग अलग नहीं है। तो अब इसकी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और आपको एक बात ध्यान रखना है कि पिच पर हमको एनेबल कर देना ऑप्शन पर, ठीक है। एंजॉय। किस चीज़ का वेट कर रहे हो, कुछ नहीं होगा वीडियो में, वो तो बस आपको समझाने के लिए जो पढ़ा था मैंने उसी वीडियो का यूज़ किया है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी एक बात करना थी मुझे आपसे, मैंने अभी कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाली थी काइनमास्टर फुल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स के लिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने, लगभग 90% लोगों ने उस पर यस वोट किया था कि हाँ बनाना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो गाइस, इस वीडियो में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इतने अच्छे से आपके लिए वो वीडियो तैयार करूँगा ना, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। एकदम आप बिगनर से कभी नहीं चलाया तो भी आप सीख जाओगे और एकदम प्रो लेवल की आप एडिटिंग कर सकते हो अगर उस वीडियो को पूरा देख लोगे तो। सारी चीज़ें एकदम ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको मैं सिखाऊँगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा,
उस बीच वीडियो आना बंद नहीं होगी, वीडियो तो आएगी रेगुलरली, बस इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसका कोई चार्ज वार नहीं है, कुछ कोर्स वोर्स नहीं बना रहा हूँ मैं, सिंपल से यूट्यूब पर ही वीडियो अपलोड होगा। तो इसी बात पर यार सपोर्ट तो कर देना मुझे थोड़ा यार। और आपके फैमिली में कोई भी सीखना चाहता है एडिटिंग, आपके फ्रेंड्स भाई लोग कोई भी वीडियो एडिटिंग, तो उनको ये कोर्स सजेस्ट करना कि ये वीडियो देखे जो मेरा आने वाला है, तो बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।